दोस्तों, आज दो मसलों पे बातचीत है। एक तो पेट्रोल के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और दूसरा रायन इंटरनेशनल से संबंधित है। सबसे पहले पेट्रोल को लेके, अभी जैसा आप लोगों को मालूम है, पिछले कुछ दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम लगभग 8 रुपए बढ़ा दिए हैं। और जो दिल्ली के अंदर पेट्रोल इस वक्त 70 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, लेकिन अगर आप मुंबई की बात करें और दूसरे शहरों की बात करें, तो पेट्रोल वहाँ लगभग 80 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर पेट्रोल के दाम जो प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से है, वो काफी कम है। बल्कि अगर ये कहें कि लगभग आधे दाम पर है, 56 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से है, और 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, उस वक्त पेट्रोल के दाम थे, क्रूड ऑयल के दाम थे, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 109.5 डॉलर प्रति बैरल। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सितंबर 2017 में, तो यह है 53.63, यानी लगभग आधे आधे से भी कम। और उस वक्त पेट्रोल के दाम 70 रुपए के आसपास थे। अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के दाम आधे हो गए हैं, तो आज भारतीय बाजार में पेट्रोल 70 रुपए क्यों बिक रहा है? ये भी आधे दाम पे होनी चाहिए। मैं ये मान सकता हूं कि भारत की अपनी कुछ समस्याओं, आर्थिक समस्याओं की वजह से आप आधे दाम पे नहीं तो 40 रुपए में बेच सकते हैं, आप 45 में बेच सकते हैं, लेकिन 70 में बिकना ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कुछ भारी गड़बड़ है इस मामले में। और इतना ही नहीं, बीच में ये जो क्रूड ऑयल है, जून 2016 में 28 डॉलर प्रति बैरल था, और जब जनवरी 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 28 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था, उस वक्त भी भारत में पेट्रोल के दाम 56.61 और डीजल के दाम 46.43, जब एक चौथाई हो गए, तब भी आप 56 रुपए में बेच रहे हो, डीजल जो है 46 रुपए में बेच रहे हो, आज आधे दाम पे मिल रहा, फिर भी जो है आप 70 रुपए में बिक रहा है। और इस बारे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो कंपनियां हैं, अब मार्केट तय करता है, रोज के हिसाब से पेट्रोल के दाम घटते बढ़ते रहते। तो अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो सरकार है क्यों? मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा घोटाला है, और कहीं ना कहीं किसी को बड़ा फायदा पहुंचाया जा रहा। अन्यथा यह संभव नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के दाम 106 से 53 हो जाए और देश में पेट्रोल के दाम 70 रुपए ही बने रहें दिल्ली के अंदर। तो यह बहुत गंभीर बात है। हालांकि कल सरकार की तरफ से कोई मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उम्मीद नहीं है कि पेट्रोल के दाम कम होंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है, और आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर देश भर के अंदर अपना विरोध प्रदर्शन जताएगी, और जल्दी इस बारे में आपको सूचना दी जाएगी।